अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को टिकटॉक अकाउंट बैन करने का तरीका सिखाने वाला हूँ। टिकटॉक अकाउंट बैन कैसे करना होता है, सबसे पहले मैं बैन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे, चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है कोई सा भी वीपीएन को डाउनलोड नहीं करना, या टर्बो वीपीएन को आपने डाउनलोड करना है या क्रोसिक वीपीएन को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद न्यूयॉर्क के साथ कनेक्ट होना है या यूनाइटेड स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद आपने कर देना है टिकटॉक को ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक बंदे ने मुझे चैलेंज किया हुआ है। मैंने इसको कहा कि फेक अकाउंट क्यों बनाते हो, तो इसने आगे से कहा कि बहुत ही धमकिया और चैलेंज दिया है, यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका अकाउंट में बैन करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे किधर गया किधर गया, यहाँ पे है नूर खान खिलजी नाम से एक फेक अकाउंट बनाया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैं इसका करता हूँ यूजर नेम को कॉपी। तो यहाँ से यूजर नेम को कॉपी करता हूँ। इस अकाउंट को आपने देखना है, 43 फॉलोइंग, 115 फॉलोअर, 272 लाइक्स हैं। इस अकाउंट को आप सही तरह देख लें। मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ इसका अकाउंट बैन करके दिखाने वाला हूँ। तो इसका यूजर नेम सबसे पहले मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो इसका अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 115 फॉलोअर्स हैं, 43 फॉलोइंग है, 272 लाइक्स है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आपने किसी भी जगह से स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, एक पॉइंट भी मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको ना अकाउंट बैन कर सकोगे और वैसे अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपको, सिलेक्ट ए रीजन, रिपोर्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। फर्स्ट ही इसी जगह पे ही आपने क्लिक करना है, वायलेशन पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट करना है। एक रिपोर्ट आपने लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है शेयर पे, उसके बाद रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ए रीजन, यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट करना है। वीपीएन लगाओगे तो थोड़ा सा आपकी मोबाइल हैंग होके चलेगी, सही है। उसके बाद डन करना है, एक रिपोर्ट लग गया। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रीजन, यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे खतरनाक और इफेक्टिव रिपोर्ट है ये है फ्रॉड एंड स्कैमर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सबमिट करना है। दो रिपोर्ट लग गए, उसके बाद डन करना है। उसके बाद आपने अकाउंट्स रिफ्रेश करके चेक करना है, एक दो रिपोर्ट के साथ भी उड़ जाता है, सही है। रिफ्रेश करते जाना है, जब अकाउंट बैंड नहीं होगा आपने रिपोर्ट्स लगाते जाना है। लेकिन मैंने जो तरीका बताया इसी तरह आपने रिपोर्ट लगाना। फिर से आपने शेयर पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रीजन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अदर्स पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। इसी तरह आपने मैं जिस तरह रिपोर्ट लगाता हूँ आपने भी इसी तरह सेम टू सेम रिपोर्ट लगाना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट अ रीजन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा डेंजरस चैलेंज एंड एक्टिविटीज, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है और सबमिट करना है। उसके बाद फिर डन करना है, रिफ्रेश करके चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अ रीजन पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है बिहेवियर एंड सैम्प, उसके बाद फेक एंगेजमेंट सबमिट करना है। उसके बाद फिर डन करना है, रिफ्रेश करके चेक करना है। आपके सामने मैं लाइव प्रूफ इस अकाउंट को बैन करके दिखाने वाला हूँ। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ए रीजन, उसके बाद फिर फ्रॉड एंड स्कैमर सबमिट, उसके बाद रिफ्रेश करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर से आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेक्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रीजन, यहाँ पे क्लिक करना है। तीन क्लिक्स करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर डन करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रीजन, आपने कम से कम 15-20 रिपोर्ट इसके अकाउंट पे लगाना है। अकाउंट से बैंड नहीं हुआ तो फिर वीडियो पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर सबमिट करना है, फिर डन करना है, फिर यहाँ पे शेयर पे आना है, फिर रिपोर्ट पे आना है, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट अकाउंट यहाँ पे एक दो तीन क्लिक्स करके सबमिट करना है, फिर डन करना है, फिर रिफ्रेश करके चेक करना है, फिर शेयर पे आना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रीजन, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर, फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे
सबमिट करना है। उसके बाद फिर डन, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली वायलेशन एंड यहाँ पे इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है, फिर डन करना है, फिर आपने रिपोर्ट पे आना है। इसी तरह 15-20 रिपोर्ट इसके अकाउंट पे लगाना है सिर्फ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर सबमिट करना है, फिर डन करना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर रिपोर्ट। इसी तरह आपने रिपोर्ट्स लगाते जाना है, रिफ्रेश करके चेक करना है। अगर रिपोर्ट नहीं लग गया तो आपने करना है कि वीडियो पे रिपोर्ट्स लगाना स्टार्ट करना है, फिर डन करना है, चेक करते हैं अकाउंट बैंड नहीं हुआ है। सही है, इतना जल्दी भी रिपोर्ट लगता ही नहीं। फिर इसके बाद इसकी वीडियोस पे आते हैं हम, उसके बाद शेयर रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ आपको नजर आएगा सिलेक्ट रीजन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, फ्रॉड एंड स्कैमर वीडियो पे अक्सर ये और डेंजरस चैलेंज एंड एक्टिविटीज, ये दो रिपोर्ट आपने सिलेक्ट कर सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डन, फिर दूसरा वीडियो आपके सामने आएगा, मैंने इसको लाइक भी किया है। फिर यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने फ्रॉड एंड स्कैमर किधर गया, नीचे देखते हैं, यहाँ पे फ्रॉड एंड स्कैमर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर डन करना है, फिर दूसरा वीडियो आएगा, शेयर पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे आना है। रिपोर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे इस वीडियो में भी आपने फ्रॉड एंड स्कैमर ये रिपोर्ट आपने लगाना है, फिर डन करना है, फिर रिफ्रेश करके आपने चेक करना है एक अकाउंट बैंड हुआ है या नहीं। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ क्योंकि कम से कम 3-4 घंटे के बाद ये अकाउंट बैंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, 2-3 घंटे वेट करने के बाद अभी आते हैं, फिर से उस अकाउंट को चेक करते हैं कि अकाउंट बैंड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम कॉपी करके छोड़ा था, नूर खान खिलजी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके 147 फॉलोअर्स थे। तो यहाँ पे आके चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अकाउंट नहीं रहा अब, सही है ना, वो अकाउंट बैन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये दूसरा अकाउंट है किसी और का, सही है, यहाँ पे 47 है, ये भी दूसरा अकाउंट है। उसके बाद यूजर्स पे क्लिक करके अभी आपको दिखाता हूँ, सही है, यूजर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी 147 वाला अकाउंट हम में से नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह टिकटॉक अकाउंट को बैन कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शायद को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।